हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखते हैं सबसे पहले रोमिंग प्रोफाइल। तो रोमिंग प्रोफाइल बनाने के लिए आपको चाहिए, एक तरफ चाहिए विंडोज सर्वर 16 डोमेन कंट्रोलर, और क्लाइंट में चाहिए आपको विंडोज 10 क्लाइंट। तो विंडोज 10 आप एंटरप्राइज वर्जन भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल वर्जन ले सकते हो। बाकी वर्जन जैसे होम एडिशन वाले कोई भी नहीं चलेगा, होम प्रीमियम कोई एडिशन नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वर 16 पे आ जाते हैं हम सबसे पहले, और यहाँ पे सबसे पहले आएंगे एडी यूज़र्स के अंदर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कुछ यूज़र्स। तो यहाँ पे चलो मल्टीपल यूज़र बना लेते हैं डायरेक्टली। यूजर बना लेते हैं, तो 20 यूजर बन के तैयार है हमारे पास। अब देखो इनकी प्रोफाइल सेट करनी है हमें, ये हमारे यूजर हैं, ठीक है। तो देखो प्रोफाइल सेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है, किसी भी ड्राइव में जाके सी ड्राइव ले लो, डी ड्राइव ले लो, जहाँ पे स्पेस हो एक फोल्डर बना लीजिए आप, इसका नाम आप रख लीजिए प्रोफाइल, ठीक है। और इसको हमें करना है शेयर, तो शेयरिंग में जाके एडवांस में जाके शेयर दिस फोल्डर करना है, और परमिशन में एवरीवन को फुल कंट्रोल देना। ठीक है, तो ये आपका शेयर हो जाएगा फोल्डर। तो मेरे कंप्यूटर का नाम है DC01, फोल्डर का नाम है प्रोफाइल। तो ये UNC पाथ यहाँ बन गया, नेटवर्क पाथ, इसे कॉपी कर लेता हूँ। देखो ये प्रोफाइल फोल्डर पूरी तरह से खाली है, अभी इसमें कुछ नहीं है। जैसे प्रोफाइल सेट करूँगा यूज़र्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, फोल्डर्स बन जाएंगे। देखो अब मुझे इन यूज़र्स की प्रोफाइल सेट करनी है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे यूज़र ले लिए, चलो कुछ थोड़े ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यूज़र 1, 10, 16 तक, इन सब के सेट करनी है। राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज़ में आना है। देखो यहाँ पे प्रोफाइल टैब मिलेगा आपको, प्रोफाइल टैब में जाना है, यूज़र प्रोफाइल पाथ आपसे पूछा जाएगा। तो जो नेटवर्क पाथ मैंने कॉपी किया था यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, स्लैश लगाना है आगे, परसेंटेज यूज़र नेम परसेंटेज ये डाल देना, और इसको कॉपी कर लेना है फिर से। होम फोल्डर में जाना है, और यहाँ पे एक ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है कोई भी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। इसको देखो होम फोल्डर दे रहे हैं, शेयर ड्राइव दे रहे हैं यूज़र को, और ये इसको प्रोफाइल दे रहे हैं, प्रोफाइल पाथ। वो हार्ड डिस्क दे, मतलब स्पेस दे रहे उसको, यहाँ पे सेव होएगा उसका, हाँ ई ड्राइव में, हाँ ओके, ठीक है। अब देखो अब यूज़र में जाते हैं, देखो प्रोफाइल ये देखो यहाँ सेट हो गई यूज़र वन की, ठीक है। यूज़र 10 में जाएंगे, ये देखो सबकी सेट हो चुकी है, ये एक साथ सेट कर दिया मैंने सबकी। आप अलग अलग सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, तरीका वही है। आप देख सकते हो प्रोफाइल फोल्डर मैंने बनाया था, उसमें देखो यहाँ यूज़र्स बन गए, फोल्डर बन गए, यहाँ पे खाली है ये बिल्कुल, क्योंकि अभी प्रोफाइल बनी है, लॉगिन नहीं हुआ है। जैसे यूज़र लॉगिन करेगा इसका एक और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, जैसे यूज़र वन है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा user1.v6, ठीक है, हाँ उसकी प्रोफाइल का डेटा। अब यहाँ पे देखो हम जाते हैं क्लाइंट मशीन पे, क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे हम यूज़र वन से, लॉगिन करते हैं,
तो अब ये इसका क्या क्रिएट हो रहा है, प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और इसका डेस्कटॉप यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये देखो जैसे ही लॉगिन करेगा यहाँ पे, मैं आपको सर्वर पे ले जाता हूँ, देख रहे हो आप, जैसे इसने लॉगिन किया यहाँ पे इसका V6 फोल्डर क्रिएट हो गया। जो भी इसका यूज़र स्टेट इन्वायरमेंट है, प्रोफाइल है, वो सारा डेटा यहाँ स्टोर है। और ये क्या है, एक रेस्ट्रिक्टेड फोल्डर है, ये देखो ओपन नहीं होगा ये, ठीक है ना। तो देखो यूज़र वन का जो भी डेटा है, शेयर डेटा, वो यहाँ आएगा, शेयर ड्राइव का डेटा, और यहाँ पे इसका प्रोफाइल का डेटा। नहीं, एडमिन को राइट नहीं है। अब क्यों नहीं है, उसका एक रीज़न है। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, मान के चलते हैं कोई कंपनी का सीईओ है, ठीक है, उसका भी डेटा पड़ा है, ठीक है, एडमिन तो उसकी फाइलें देख रहा है, तो क्या फ़ायदा, कैसे सिक्योरिटी है, समझ रहे हो। एडमिन मैनेजर रैंक के बंदे का भी डेटा देख रहा है, हाँ भाई ठीक है क्या क्या ईमेल आ रही हैं, जा रही हैं, या फिर उसकी क्या क्या फाइल्स हैं, उसकी सिक्योरिटी, उसका क्या होगा, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, असली तो वही बन गया ना मालिक, ठीक है ना, वो सभी का देख पा रहा है, फिर क्या होगा, फिर तो लॉगिन पासवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो किसी का भी उठाएगा देख लेगा, लॉगिन की ज़रूरत ही नहीं है उसको, वो देखेगा सीधा इसके डेस्कटॉप पे क्या है, कोई भी फोल्डर बना के छोड़ देगा वहाँ पे, या वहाँ से फाइल उठा के सीधा अपने पास रख लेगा, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या रहेगी, कुछ नहीं, इसलिए ये रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, कि आप किसी की पर्सनल फाइल्स नहीं देख सकते, चाहे आप एडमिन ही क्यों ना हो। आप एडमिन हो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दूसरे की पर्सनल फाइल देखोगे, क्या आपको राइट मिल जाता है, बोलो, नहीं मिलता ना, चाहे तो कर सकते हो, हाँ दिखा दूंगा मैं अभी, देखो करने को कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल निकाल देंगे, हाँ उसकी उसकी सहमति से, क्या अभी बताएंगे, अभी बताते हैं, ये आ गया देखो, अभी इसके डेस्कटॉप पे काम कर लीजिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह रखना चाहते हो, ये आपने काम कर लिया, थीम वगैरह चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो, पर इसके लिए विंडोज़ एक्टिवेट होनी चाहिए, यू नीड टू एक्टिवेट विंडोज़, पर्सनलाइज करनी, ये सारे ग्रेड आउट हो गए ना देखो, ये आप तभी कर पाओगे जब विंडोज़ आपकी क्या है, एक्टिवेट होगी, काम कर रही है, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप पे कुछ और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे मैं इसे, हाँ ये रोमिंग है, ये देखो मैंने यहाँ पे देखो पर्सनलाइज कर दिया है, इसे यहाँ पे स्टार्ट मेनू को साइड में कर दिया, ठीक है। अब देखो ये देखो एक आइकन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, ये पर्सनलाइज होगी इसकी चीज, ठीक है। अब यही कुछ डेटा यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी जगह इसके डेटा डाल देता हूँ, जैसे डाउनलोड्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, ठीक है, ये सब जगह मैंने डेटा डाल दिया इसको। इसके अलावा देखो शेयर ड्राइव है, वहाँ भी डाल देते हैं, ये शेयर ड्राइव मिली है उसे, देखो ई नाम से मिली है, मैंने ई ड्राइव इसको दी थी, यहाँ पे मैंने डेटा कॉपी कर दिया, ठीक है।
अब मैं इसे लॉग ऑफ कर देता हूँ मशीन को। कोटा बाद में नहीं है अभी इसके पास, अनलिमिटेड। हाँ अभी अनलिमिटेड है। तो देखो लॉग ऑफ कर दिया मैंने, यूजर वन को खोलेंगे, देखो इसके शेयर ड्राइव का डेटा आ गया। V6 को हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके पर्सनलाइज फाइल हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये अगले दिन दूसरे कंप्यूटर पे बैठ जाएगा। तो जैसे मैं इसी कंप्यूटर पे इसको अलाउ करना है अगर मुझे, तो अभी तो देखो क्या है, अगर मैं यहीं पे बैठ के इस मशीन पे लॉगिन करना चाहता हूँ, हाँ किसी भी अदर मशीन पे, तो यूज़र वन नहीं करने दे रहा। तो मैं इसको पॉलिसी दे देता हूँ लॉगिन करने के लिए। एडिट करेंगे इसे, मैं पूरे ग्रुप को ही दे देता हूँ, ठीक है। जीपी अपडेट कर लीजिए। लॉग ऑफ करना है, अब लॉग इन करना है। तो यूज़र हमारा था यूज़र वन, लॉग इन करेंगे। ये देखो जो भी डेटा था यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसकी जो पर्सनलाइज चीज़ थी वो सारी दिख रही है। आप देख रहे हो स्टार्ट मेन्यू जो है वो राइट हैंड साइड पे आ गया, यानी कि जो भी उसने चेंजेस किया था अपनी प्रोफाइल में वो इफेक्ट हो गया, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन्स बनाए थे वो सारे आ रहे हैं। इसके अलावा देखो डाउनलोड्स में क्या था, ये देखो डॉक्यूमेंट्स में क्या था, पिक्चर्स में क्या था, देखो सारा आ रहा है डेटा, देख नहीं रहा, कैमरा आ रहा है स्काइप, इस पर इंस्टॉल नहीं है स्काइप इसलिए आ नहीं रहा है, इसमें वहाँ पे इंस्टॉल था इसलिए आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई रोमिंग प्रोफाइल, कैसे चेक करेंगे ये रोमिंग ही है, ये देखो एडमिन से लॉगिन करेंगे यहाँ पर। एडवांस में जाएंगे, यूज़र प्रोफाइल में सेटिंग्स, यूज़र वन की कौन सी प्रोफाइल चल रही है, रोमिंग। कहाँ पे यहाँ पे कह रहे हो सी यूजर्स,
यूजर वन के नाम से है। यूजर वन इसके अंदर से डेटा होगा, इसके अंदर होगा वही चीज है, वो तो सारी खुल जाएगी ना डॉक्यूमेंट्स, वो तो यहाँ से भी खुल सकते हैं। ये तो सर्वर मशीन है ना, इसलिए दिख रहा है, और कंप्यूटर में वैसे नहीं दिखाई देगा। अब देखो हमने जो प्रोफाइल बनाई थी यूजर के लिए, डाउन ये यहाँ पे लॉगिन होगा मुझे लग रहा, लॉग ऑफ नहीं किया होगा तुमने। शट डाउन हो गई मशीन। सी के अंदर प्रोफाइल कहाँ गया, ये रहा देखो। ठीक है, अब हमें बनानी है मैंडेटरी प्रोफाइल। ये तो बन गई रोमिंग प्रोफाइल, अब इसी को हमें मैंडेटरी में कन्वर्ट करना है। तो इसमें देखो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें देखो यहाँ पे देखो जो V6 फोल्डर है इसे ओपन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, ओपन कंटिन्यू करेंगे सिक्योरिटी टैब, ये देखो सिक्योरिटी ऑप्शन आ रहा है। एडवांस में जाओ, यहाँ पे देखो ओनरशिप यहाँ पे चेंज कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटर। रिप्लेस द ओनर, apply, then yes. देखो लिखा रहा है you have just taken the ownership of this object. तो इसे क्लोज कर दी जाए, ये देखो क्लोज हो गया। अब आप इसे ओपन करोगे, ये ओपन हो गया, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे क्या है इसके, देख पा रहे हैं हम, ये सारा डेटा आ गया ना इसके। अभी मैंडेटरी हो गया सर? नहीं अभी बना रहे हैं। डॉक्यूमेंट में क्या है ये देखो, सब देख पा रहे हैं, पहले नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे व्यू में आना है, ऑप्शंस में आना है। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट रहता है डू नॉट शो हिडन फाइल, इस तरह से रहेगा। देखो इस तरह से ये रहेगा, देखो डिफॉल्ट कर देते हैं, इस तरह से रहेगा। आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, ऑप्शंस में जाना है, व्यू में जाना है, शो हिडन फाइल्स अप्लाई कर देना है, और यहाँ पे देखो हाइड प्रोटेक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स, इसको अनचेक करना है, फिर से अप्लाई करना है, देन ओके करना है। तो आपको यहाँ पे एक हिडन फाइल नज़र आएगी ntuser.dat, इसको आपको रीनेम करना है, dat को man करना है, man। देखो चेंज नहीं हो पा रही है। तो आपको करना क्या है, देखो V6 फोल्डर में आना है, फिर से सिक्योरिटी में जाना है,
एडवांस में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट परमिशन विद इनहेरिटेड परमिशन एंट्रीज। पेरेंट फोल्डर पे तो हमने ले ली, लेकिन उसके अंदर जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी परमिशन नहीं मिली, तो उसका इनहेरिटेंस क्या है अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हमने कर दिया है। अब हम जाते हैं एंटी यूज़र डॉट डी ए टी को चेंज करने के लिए, तो हम इसे चेंज करना है, यहाँ पे रीनेम करना है MAN, हो गया ठीक है। अब ये बन चुकी है मैंडेटरी, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़र की तो सारी परमिशन हट गई, वापस से उसको वही परमिशन देनी है जो, देखो अब ये फोल्डर खुल रहा है लेकिन ये खुलना नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो उसी कंडीशन में इसे वापस ले आएंगे हम। सिक्योरिटी में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे देखो ओनर आ रहा है, इसे चेंज करेंगे यूज़र वन। तो रिप्लेस द ओनर, ओके ठीक है, और यहाँ से जाना है ऐड करना है सेलेक्ट प्रिंसिपल यूज़र वन सेलेक्ट करना है और इसे फुल कंट्रोल देना है आपको, ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्लिक करना है रिप्लेस ऑल चाइल्ड ऑब्जेक्ट परमिशंस, अप्लाई करना है, यस करना है, एडमिनिस्ट्रेटर को रिमूव कर देना है और फिर से अप्लाई करना है, देन ओके करना है, ठीक है ओके कर देना है, फिर रिफ्रेश कर, इसे ओपन करके देखो, ये उसी कंडीशन में लाके छोड़ दिया मैंने जैसे पहले था। सर जो आप बोल रहे थे कि उसको प्राइवेसी वाली बात, जब अभी ऐसे कर सकते हो तो खोल सकते हो, देखो ऐसा है ना, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है तो उसका लॉग बन जाता है, अगर ऐसा करेंगे ना हम यहाँ पे तो ऑडिट होगा, ऑडिट में पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है, कंपनी में ऑडिटिंग होती है, ऑडिट होता है, तो ऑडिट होने पे क्या है, सभी पे ऑडिट चलता है, एडमिन ने क्या किया उस पे भी ऑडिट चलेगा, ठीक है, या अदर यूज़र्स हैं उस पे भी चलेगा, सब चीज़ों पे ऑडिट चलेगा, और यहाँ एक एक लॉग बनता है कि क्या किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप अगर गलत कर भी रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो है पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हो आप, ठीक है, तो पकड़े जाओगे। किसको? देखो लॉग क्लियर ऐसे नहीं कर सकते ना विदाउट परमिशंस, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, सर्वर पे सारे जितने भी सर्वर होती हैं सब रिकॉर्डेड होते हैं, सब पे रिकॉर्डिंग चलती है, एक एक आप जो है स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड होता है कि आपने क्या किया, ठीक है, सब पे रिकॉर्डिंग चली रहती है, नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, सभी सर्वर पे रिकॉर्डिंग चली होती है। हाँ आप भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड है वो तो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है, सर्वर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किसको क्या परमिशन दी, सारा रिकॉर्डेड है, कभी भी रिकॉर्डिंग उठा के मांग लेंगे भाई रिकॉर्डिंग दिखा। सर सर्वर का रिकॉर्ड कैसे निकालेंगे, सर्वर का रिकॉर्ड कैसे निकालेंगे, नहीं वो चीज़ नहीं बताएंगे, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, इस तरह से कर दिया आपने, आप देखो देखो ऐसा होता है ना, देखो एडमिनिस्ट्रेटर एक नहीं है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अब हर एडमिनिस्ट्रेटर को अलग अलग परमिशन है, वो उस हिसाब से चल रहा है, तुम किसने क्या किया वो सारा रिकॉर्डेड है, ठीक है, कभी भी उठा के देख सकते हो आप। एक चीज क्लियर कर देना, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को कुछ परमिशन होती है, किसी को कुछ परमिशन होती है, कैसे कैसे देते हैं, किसी को आधी परमिशन है, रोल होते हैं ना अलग अलग, वो अलग अलग रोल दिए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे अब इसकी मैंडेटरी प्रोफाइल चल रही है, अब यहाँ पे देखो जो भी आप काम कर रहे हो वो सेव नहीं होगा, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया आइकन्स, हो गया डिलीट, यहाँ से एम्प्टी कर दिया,
इसने देखो यहाँ से भी डिलीट कर दिया, सपोज दैट होगा डिलीट, ठीक है। शेयर ड्राइव में ये एक फोल्डर बना देते हैं, एक फाइल बनाइए, स्टार्ट मेनू नीचे ले गया है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे भी इसने देखो चेंज कर दिया, ये लिया है, ठीक है। लॉग ऑफ कर देता, फिर से लॉगिन करेंगे, जो भी चेंज किया था हमने, ठीक है, तो सारा कर मैंडेटरी है, और कुछ अलग से सेटिंग नहीं करनी पड़ती, और कोई सेटिंग नहीं। सर जो आपने सारी सेटिंग्स की एमएन के वक्त, तो दोबारा से रोल बैक करनी होगी उनको जैसे, हाँ बिल्कुल स्टेप वही फॉलो करने होंगे। ये देखो सी ड्राइव, ये देखो पिक्चर्स, डाउनलोड में डिलीट किया था डेटा, ये रहा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप जो है चेक कर सकते हो कि कौन सी प्रोफाइल चल रही है, एडमिन अकाउंट से लॉगिन करो यहाँ पे एक बार। यूजर वन की क्या चल रही है, मैंडेटरी प्रोफाइल, कौन सी, ये पहले बना हुआ था यूजर, पहले बनाया होगा, इसकी मैंडेटरी चल रही है, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।